देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन नहीं छोड़े हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा हमको निकाल दिया, अब बिना मतलब का निकाल दिया, बिना मतलब का आरोप लगाया, बिना मतलब का टिकट काट दिया, किसी चीज का जवाब वो तो दे नहीं रहा है। तो हम मीडिया के थ्रू उनको बोले तो उनको खराब लगा तो हमको नोटिस भेजे, तो हम यही बात बोल रहे हैं भैया आपको कैसा लगा जब हम आपके बारे में बोले तो, ये अलाय बलाय आदमी का हम बर्दाश्त करेंगे। नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। संयोग से आज 15 नवंबर है और आज झारखंड का स्थापना दिवस है और साथ में आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाने वाले और उसकी नींव रखने वाले दिनेश विलियम मरांडी के पिताजी साइमन मरांडी और आज दिनेश विलियम मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़ चुके हैं क्योंकि इनको पार्टी से हटा दिया गया है और इनको सोकॉस कर दिया गया है। तो आज ये भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला चुके हैं और दामन थाम चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी कितना विश्वास के साथ दिनेश विलियम मरांडी को पार्टी में आज जगह दी है, जो तवज्जो दी है उस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दिनेश विलियम मरांडी जी, बहुत बहुत सर आभार आपको कि आज आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ छोड़ चुके हैं और आप बीजेपी में जा चुके हैं आज स्थापना दिवस के लिए। देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन नहीं छोड़े हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा हमको निकाल दिया, अब बिना मतलब का निकाल दिया, बिना मतलब का आरोप लगाया, बिना मतलब का टिकट काट दिया, किसी चीज का जवाब वो तो दे नहीं रहा है। अब वो हिटलर शासन कर दिया है, हमको भी बहुत खराब लगा जब मेरा टिकट कटा था, तो हम मीडिया के थ्रू उनको बोले तो उनको खराब लगा तो हमको नोटिस भेजे, तो हम यही बात बोल रहे हैं भैया आपको कैसा लगा जब हम आपके बारे में बोले तो सोचिए हमको कितना खराब लगा होगा जब आप मेरा बिना बात किए वो टिकट काटे। अगर नहीं देना था, बात कर लेते तो हो सकता है हम मान जाते ना, बैठ के आप बात तो करना चाहिए, तो हमको कितना खराब लगा था। तो आपको हमको जब हम मीडिया को बोलने लगा तो आपको खराब लगा, आप नोटिस भेज दिए हमको, आपने कारण बताओ, नोटिस जवाब भी मांगा था, आपको नोटिस भेज दिया। हाँ तो हम भी जवाब मांग रहे हैं कि आप हमसे जवाब मांग रहे हैं कि हम क्यों बोल रहे हैं, हम तो जवाब मांग रहे हैं आप काहे टिकट काटे हैं, अब फिर आप पार्टी से निकाल दीजिएगा हमको, ये अलाय बलाय आदमी का हम बर्दाश्त करेंगे, ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है पार्टी चलता है, हम सम्मान करते हैं, कभी भी पार्टी का अवहेलना नहीं किया, लेकिन मेरा जवाब कौन देगा, कोई तो जवाब देगा। इसके बाद आप लोग बात करना बंद कर दिए, इतना क्या घमंड हुजूर, ज्यादा घमंड ठीक नहीं होता है। हमको भी तो खराब लगा जब आप हमसे जवाब मांग रहे थे, तो हम बूझ गए कि आपको खराब लगा है, तो चलो ठीक है, हमको भी एहसास हुआ कि खराब लगा है, तब ना नोटिस भेजा है। लगातार दिनेश विलियम मरांडी जी जवाब भी मांगते रहे लेकिन जवाब में उनको कुछ भी नहीं बताया गया। जो पार्टी को संचालित, झारखंड मुक्ति मोर्चा को संचालित करने वाले लोग हैं वही लोग बस पार्टी को चलाते रहे। देखिए हेमंत भैया के अगल बगल जितना भी है सब झारखंड के बाहर के वाला लोग है, रहने वाला, और वो लोग कहीं ना कहीं फ्रूटफुल काम बताता नहीं है हेमंत भैया को, और ग्राउंड जो मामला है वो सच्चाई बताता नहीं है उनको, और हेमंत भैया किसी भी विधायक सांसद से खुल करके बात करते नहीं है, करना नहीं चाहते हैं, या क्या बात है। कभी भी हम लोग से बात करते तो हम लोग क्लियरली बताते, दादा यहाँ पर अच्छा है, यहाँ बुरा है, ये ठीक हो सकता है, इसको और ठीक किया जा सकता है, लेकिन वो कभी किसी से बात ही नहीं करते हैं। सिर्फ 4-5 आदमी हैं उनके पास, वही लोग के बात सुनते हैं, अब बस झारखंड का निर्णय उसी हिसाब से लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी तो सवाल उठेगा कि आप आज जो है, सबसे बड़ा चीज है कि आपकी भाभी सीता भाभी है, हम लोग कभी भाभी है, इरफान अंसारी को उसके उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था। इरफान अंसारी मेरा मित्र है, उनके पिताजी भी मेरे पिताजी के मित्र हैं, लेकिन इरफान जी आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। राजनीति में किसी पे पारिवारिक टिप्पणी नहीं दिया जाता है, राजनीतिक टिप्पणी बोलिए आप दीजिए, किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं दिया जाता है, वो गलत बात है। आपको इस तरह भाभी के बारे में बोलना, कितना बड़ा गलत काम किया है इरफान अंसारी, और सबसे बड़ा गलत किए हैं हेमंत भैया कि आप अपना भाभी के को लेकर के उनके डिफेंड भी नहीं किए। इरफान को बोलते तो सही कि तुम गलत किया है, क्यों बोल रहा है सब चीज,
औकात में रहो, ठीक है भाभी आज गई है कल वापस आ सकती है, परिवार का मेंबर है। किस परिवार में झगड़ा नहीं होता ये बता दीजिए, बड़ा से बड़ा परिवार में झगड़ा होता है, नेपाल नरेश में तो गोली चल करके पूरा खानदान ही खत्म हो गया। तो इतना भी बड़ा मामला नहीं था कि आप अपना भाभी के समर्थन में डिफेंड में खड़ा रहना चाहिए था। आपकी भतीजी के बारे में बोल दिया, कल के दिन हेमंत भी आप नहीं रहिएगा, कोई भाभी के खिलाफ और बच्चा के खिलाफ बोलेगा तो आपके आत्मा से आप रोइएगा नहीं। लेकिन फिर भी हेमंत यह बोलते हैं कि अगर आपके परिवार को कोई कुछ बोलेगा तो दिनेश मरंडी आपको आपका परिवार का डिफेंड करने के लिए खड़ा रहेगा। ऐसा नहीं होता है राजनीति में, परिवार से बड़ा राजनीति नहीं होता है, ठीक है। हर परिवार में दिक्कत होता है, इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति में आप अपना परिवार का ही मजाक उड़ाएं, ये भी गलत बात है। और इरफान को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इरफान जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है ऐसा। आप टिप्पणी देना जानते हैं पब्लिक इमेज क्या बैठता है, किसी पे भी व्यक्तिगत टिप्पणी देना मैं समझदारी नहीं समझता, सबसे बड़ा गलती मानता हूं हेमंत भैया को कि एक बार भी अपना भाभी का डिफेंड में नहीं खड़ेगा। वो मुस्कुरा रहे हैं, घूम रहे हैं हेलीकॉप्टर से, दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़ा नेता है। अरे नेता है आप, मानता है सब नेता, इसका मतलब ये थोड़े ना होता है कि आप परिवार का डिफेंड नहीं करें तो आपका इमेज तुरंत गिर जाएगा, आप कहीं का नहीं रहिएगा। आप सोचते होंगे कि बिट्टू कभी बोलता नहीं था लेकिन आज बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, आप हमसे बातें नहीं करते थे तो हम क्या बोले आपको। दिनेश विलियम मरांडी जी का टिकट क्यों कट गया, आखिर हेमलाल मुर्मू को क्यों जगह दिया गया झारखंड मुक्ति मोर्चा में लिट्टी पारा विधानसभा क्षेत्र से? यही तो हम हेमंत भैया से जानना चाहते हैं कि मेरा टिकट तो आप काहे काटे और हेमलाल मुर्मू को काहे टिकट दे दिए, जो आदमी को मुसलमान वोट नहीं देगा, क्योंकि वो उसके बारे में चर्चा है पब्लिक के बीच में कि चार गो मुसलमान को वो मरवा दिया था अपने जब विधायक था, और एगो उसमें से मौलवी साहब थे, कुरान को भी लात मार के जला दिया था। अब क्रिश्चियनिटी के बारे में, जो क्रिश्चियनिटी जेएमएम को वोट देता है उस क्रिश्चियन के दो गो फादर को ये कपड़ा खोल करके मारा था, इसके बारे में भी चर्चा है। और बहुत ऐसा आदिवासी है या मूलवासी है जिसका धान कटवा देता था हर साल बरेट में, और इसके ऊपर तो सीबीआई का जांच चल रहा है, ये घोटाला किया है स्वास्थ्य विभाग में, क्या बोलता है दवा का घोटाला किया है, फर्जी दवा, तो इसके बाद तो सीबीआई का केस चल रहा है। आप ऐसा आदमी को टिकट दीजिएगा और वो भी गोटा का आदमी को दीजिएगा लिट्टी पड़ा में, तो लिट्टी पड़ा का आदमी वोट नहीं देने वाला है हेमलाल को, उसको कहाँ ढूंढने जाएगा इसमें गोटा में, कोई ढूंढेगा नहीं, ना मुसलमान वोट देगा, ना क्रिश्चियन वोट देगा, ना आदिवासी वोट देगा, ना हिंदू वोट देगा उसको। ये आदमी तो थोड़ा नास्तिक टाइप है, ये सीपीआई में था, पिताजी इसको सीपीआई से ला के जिम्मे में खड़ा किए, और बरहेट में फिर उस समय थॉमस हांसदा थे, तो थॉमस हांसदा के अगेंस्ट में इनको खड़ा करके फिर जेएमएम को वहां से जिताए हेमलाल मुर्मू को। ये आदमी चाइना से ट्रेनिंग करके आया हुआ है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं प्रगति तो उसका सीबीआई वाला ही है, कहीं ना कहीं सीबीआई वाला सब तो कोई धर्म जल्दी मानता नहीं है, तो ये तो उनको सोचना पड़ेगा ना। दिनेश विलियम मरांडी को अब धमकी भी मिलना शुरू हो गया है, जैसा मालूम चला कि आपकी जान को खतरा, आपने बड़े मंच से आह्वान किया है। देखिए एक बात है, सच्चाई ना सबको कड़वा लगता है ना, सच्चाई सबको कड़वा लगता है, और हम अगर इलीगल काम करने का मना कर रहे हैं तो किसी तीसरे चौथे आदमी के थ्रू ये लोग हमारे और मेरे परिवार को जान से मारने का धमकी देना शुरू कर दिया है। हम मेरे घर में भी चार बार हमला हो चुका है, गोली भी चला है, उस समय बॉडीगार्ड भी थे मेरे माँ पिताजी के, उन लोग भी गोली चलाए थे, मामला केस हुआ था, फिर डीआईजी आए थे, इन्वेस्टिगेशन किए थे, मुझे भी माओवादी का धमकी बहुत एक बार मिल चुका है मारने का, और ये लोग बार बार धमकी दे रहा है। तो मैं गृह मंत्री जी को लेटर लिखा हूँ, डीजीपी साहब को भी लेटर लिखे हैं, लेकिन जो जिला प्रशासन है पाकुड़ का वो संज्ञान नहीं ले रहा है। मैं उपायुक्त महोदय को भी लिखा हूँ कि हमको सुरक्षा प्रदान किया जाए, कहीं ना कहीं मेरे ऊपर हमला हो सकता है, और मैं समझता हूं कि कभी अगर मेरे परिवार पे हमला हुआ या मेरे ऊपर, तो मैं दोषी जो हूं ना, जो वर्ड होता है वो भी कोर्ट में संज्ञान लिया जाता है, जज साहब लेते हैं उसका संज्ञान। तो जज साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे तमाम जज जो हैं पूरे झारखंड के, कि कभी भी अगर मुझे हमला हुआ तो मैं 5 आदमी को दोषी मानता हूं हुजूर। अगर मैं मुझ पर हमला आके मारा गया या मेरे परिवार को, पहले हैं हेमंत सोरेन जी, दूसरा है पंकज मिश्रा, तीसरा है विनोद पांडे, चौथा है सुप्रियो भट्टाचार्य, और पांचवा है अभिषेक कुमार पिंटू। तो कभी भी अगर मेरे साथ कुछ होता है या मेरे परिवार के साथ होता है, तो जज साहब इन 4-5 पे संज्ञान लिया जाए।
दिनेश विलियम जी, अब आप भाजपा के साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा एक टास्क दे रही है आपको पूरे झारखंड विधानसभा में कि 18 विधानसभा होते हैं संथाल में, कितना बल मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं ज्वाइन किया हूं और पहले भी पिताजी भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं, और मैं हम लोग का परिवार का एक उसूल है कि जहाँ भी रहते हैं वफादारी के साथ रहते हैं, धोखा नहीं देंगे। बीजेपी में आज हैं तो जब तक शरीर में जान रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए खटेंगे हम लोग। वो जो भी काम देगा, पार्टी की तरफ से जो भी काम दिया जाएगा हम लोग काम करेंगे, निस्वार्थ खटेंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हेमंत बिश्व शर्मा जी को, रविंदर राय जी को, निशिकांत दुबे जी को, तमाम सांसद विधायक झारखंड के हैं, और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और आज हमारे समक्ष मौजूद थे शिवराज जी चौहान जी को, केंद्र मंत्री जी को, कि आप मुझे सम्मान दिए अपने घर में ला करके। मैं और पूरे परिवार के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी सर। ये थे हमारे साथ दिनेश विलियम मरांडी, जो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। अभी इससे देखने वाली सबसे ज्यादा बात होगी कि झारखंड के संथाल परगना में 18 विधानसभा सीटें हैं, और दिनेश विलियम मरांडी के भाजपा में आने से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कितना बल मिलता है, और झारखंड की संथाल परगना सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत कितना बना पाती है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।